नमस्ते बच्चों, आज कक्षा 7वीं में हम विषय गणित पढ़ेंगे और गणित में हम जो पहला पाठ है हमारी ज्यामिति रचना, उसके बारे में हम आज पूरी रचना करेंगे। सबसे पहले हमने इसके पिछले वीडियो में हमने प्रसंग्रह 2 तक कर लिया है, आज हम प्रसंग्रह 3 की रचनाएं करेंगे। तो सबसे पहले आप आइए देखिए, यहाँ पर नीचे दिए गए मापों के आधार पर त्रिभुज की रचना करो। तो यहाँ पर सबसे पहले आप प्रश्न समझिए, अगर आप रचना करते समय प्रश्न को समझ लिए तो आपकी आधी सवाल वैसे ही खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, पहली सवाल है त्रिभुज MAT, त्रिभुज का नाम क्या है MAT में MA की लंबाई दी गई है 5.2 सेंटीमीटर और मेजर कोण A कितना है, एक कोण A का मान कितना है 80 अंश और AT की लंबाई दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो इसके पहले वाले जो पिछला वाला जो वीडियो था उसमें हमने तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई थी और हमने रचना की थी। यहाँ पर क्या है, दो भुजाओं की लंबाई दी गई है और एक का कोण का माप दिया गया है। तो इसका उपयोग करके हमें क्या करनी है, रचना करनी है। तो जैसा कि हमने पहले किया है कि पहले क्या करना है, हमें कच्ची आकृति बनानी है। तो मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया है, हम कच्ची आकृति में हर जगह उसका नाम पहले रखेंगे हर भुजा पर। तो पहले आएगा MA कितना है 5.2 सेंटीमीटर और AT है 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, AT यहाँ पर हम क्या करेंगे, AT लिखे, AT की जो लंबाई है यहाँ पर A लिख दीजिए, यहाँ पर T लिख दीजिए और AT की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारी कच्ची आकृति है, तो इसको बिना नापे आप फटाक से ऐसे हाथ से बना सकते हैं 6 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर हमारा यम, यहाँ पर आप क्या रख दीजिए, शीर्ष बिंदु यहाँ पे क्या बना दीजिए, यम, उसका नाम यम रखिए। तो MAT एक हो गया त्रिभुज, उसका 86 सेंटीमीटर। अब आता है MA, तो MA का MA कितना आएगा 5.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बच्चों 5.2 सेंटीमीटर आप कर दीजिए। अब उसके बाद आता है MA, दो ही भुजा दी गई थी, MT है नहीं तो उसको छोड़िए, लेकिन यहाँ पे एक अलग दिया है, मेजर कोण A कितना है 80 अंश। तो ये आपको कितना बनाना है, 80 अंश का यहाँ पे क्या लेना है, माप लेना रहेगा। तो यहाँ पर आपकी कच्ची आकृति बन चुकी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कच्ची आकृति। इस आकृति के आधार पर आपको क्या करनी है, आगे की रचना करनी है। तो इसीलिए कच्ची आकृति जो रहे वो एकदम सटीक, उस पर जो माप लिखा रहे वो एकदम सटीक रहा तो आपकी जो रचना बनेगी वो भी एकदम सटीक रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, इस आपको प्रश्न की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, अब आपका ध्यान पूरा कहाँ रहेगा, कच्ची आकृति पर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर दिया AT कितना है, भुजा AT कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो हम पहले सबसे पहले स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर लेंगे, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, 0 से 6 सेंटीमीटर हमने लिया और तुरंत यहाँ पर A लिख देंगे और यहाँ पर T और इसका नाम दे देंगे 6 AT नाम दिया। अब आते हैं इसकी भुजा की लंबाई, हमने लिख दिया 6 सेंटीमीटर। अब बिंदु एक, अब बिंदु क्या करेंगे हमें, क्योंकि यहाँ पे 80 अंश दिया है नाम उसका, तो बिंदु A पर रखकर हम 80 अंश का कोण का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने रखा बिंदु A पर, चांदा रख दिया। अब यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 80 जहाँ आता है वहाँ पे हम क्या करेंगे, बिंदी लगा देंगे और स्केल की सहायता से थोड़ा सा पीछे रखकर बिंदु A से हल्का, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए और इसको क्या कीजिए, मिला दीजिए। मिलाने पर आपको क्या हो गया, एक किरण आई और इसका यहाँ पे क्या बन गया, कोण 80 अंश के कोण का क्या हुआ, निर्माण हो गया। अब आते हैं हम, अब हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी गोला प्रकार की, क्योंकि यहाँ पर देखिए MA कितना है 5.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे A तो मिल गया, यम कहाँ रहेगा, तो जब हम 5.2 सेंटीमीटर लेंगे और चाप लगाएंगे तो वहीं पर हमें क्या मिलेगा, हमारा बिंदु M मिलेगा। तो सबसे पहले आएंगे, मैंने पहले ही सिखाया है कि वैसे लेते हैं गोला प्रकार से तो हिल जाता है और
गड़बड़ होने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए बिंदु आप ऐसे ले लीजिए, जीरो से पाँच यहाँ पे आइए और दो यहाँ पे आगे दोगे, लाइन तो हो गया अपना 5.2 सेंटीमीटर, और इसको गोला प्रकार की सहायता से आप आसानी से देखिए, आपका थोड़ा भी गड़बड़ नहीं होगा। और फिर बिंदु ए पर रख दीजिए, बिंदु ए पर रखने पर आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, चाप लगाएंगे, जहाँ आपका चाप लगेगा अर्थात प्रतिच्छेदन करता है यहाँ पर, वहीं पर आपका क्या आएगा, बिंदु यम मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, बिंदु यम, और ये आपका बिंदु यम आपको मिल गया। तो उसके बाद आपको बिंदु यम से जहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं वहाँ से आपको क्या करना है, बिंदु यम से बिंदु टी को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, और यह हमारा त्रिभुज क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो यम में कितना हुआ, चाप कितने लिए थे, 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पर चाप लगाया, और चाप लगाने पर हमें बिंदु यम मिला। बिंदु यम मिलने पर बाद बिंदु यम और टी को क्या करेंगे, बिंदु टी को हमने मिला दिया तो हमारे एक त्रिभुज की रचना हो गई, और त्रिभुज यम ए टी, जैसा कि आपने कच्ची आकृति में दिया है, त्रिभुज यम ए टी आपका त्रिभुज हो गया, ए टी 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर हमने कोण बिंदु ए पर कोण का माप कितना था, 80, मेजर कोण क्या हो गया, 80 अंश, और यम में हमारा 5.2 सेंटीमीटर हो गया। तो अर्थात आपके प्रश्नानुसार आपकी रचना क्या हो गई, यहाँ पर बन गई। तो अब इसके बाद आते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ, सेम यहाँ पर भी दो भुजा दी गई है, और यहाँ पर दो भुजा के बाद यहाँ पे कोण टी कितना दिया है, 40 अंश। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एन टी, भुजा एन टी और भुजा टी एस की जो लंबाई है वो बराबर है, तो अर्थात ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दोनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, और मेजर कोण टी क्या है, 40 अंश है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं टी और एस, यहाँ पे हमने क्या किया, टी एस क्या किया, 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, हमने 5 सेंटीमीटर लिया। अब को मेजर को टी का मान कितना है, 40, तो हमने यहाँ पे 40 अंश किया। अब उसके बाद कौन सा, यन, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, बिंदु यन। तो अब देखिए 5 सेंटीमीटर है, हो गया टी एस, और एन टी कितना है, ये भी कितना है, 5 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं इसकी क्या होंगी, समान, क्योंकि यहाँ पे दो भुजाएं बराबर दिखा रहा है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज एन टी और यस, ये आपकी कच्ची आकृति यहाँ पे बन गई बच्चों। हमने यहाँ पे कच्ची आकृति का निर्माण कर दिया, तो आप ध्यान रखिए त्रिभुज क्या है, एन टी एस, उसमें दो भुजाएं क्या है, समान, एन टी और टी एस, तो एन टी 5 सेंटीमीटर, टी एस भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे बराबर का निशान है, तो दोनों क्या है, समान, और कोण टी कितना है, 40 अंश। अब इसको ध्यान में रखकर हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। सबसे पहले हम स्केल की सहायता से टी एस हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो हम टी एस ले लेंगे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर टी 0 से 5, और हमने यहाँ पर टी नाम लिख दिया, और यहाँ पर यस, तो टी एस 5 सेंटीमीटर, और तुरंत यहाँ पे आप लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कोण टी कितना है, मेजर कोण टी का मान है 40 अंश, तो बिंदु टी पर चांदे की सहायता से 40 अंश का कोण बनाएंगे। यहाँ पे हमने रखा, सभी को चांदा देखने आता है, पांचवी छठी में हमने सीख चुके हैं, तो जिसको नहीं आता तो ध्यान देकर देखिए, यहाँ पे हमने रखा टी पर, अब यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, तो यहाँ पे हमने 40 अंश का क्या किया, कोण बनाएंगे, और इसको बहुत सावधानी से थोड़ा सा हल्का पीछे रखकर खींचिए, आपको मिल गया। अब आता है 5 सेंटीमीटर, फिर आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर जब खींचेंगे तो जहाँ चाप मिलेगा वहीं आपको बिंदु यन प्राप्त होगा। तो आपने 5 सेंटीमीटर यहाँ लिया, तो स्केल से नापने की आपको जरूरत नहीं, आप इसी का उपयोग कर लीजिए। हाँ,
आप अपने गोला प्रकार की सहायता से TS की लंबाई नाप लीजिए और बिंदु T पर रखिए, क्योंकि टी यन कितना है 5 सेंटीमीटर। तो आप टी से जब काटेंगे तो जहाँ पर यह प्रतिच्छेदित कर रहा है वहीं पर आपको क्या कर रहा है, यन का बिंदु यन मिल जाएगा। तो बिंदु यन आपको क्या हुआ, मिल गया, तो आपको हो गया यन टी एस। ये भी कितना है 5 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। तो आपका दो भुजा क्या हो गया, समांतर तो हो गया। अब जहाँ पर बिंदु यन हमें प्राप्त हुआ है वहीं से बिंदु यस को मिला दीजिए। आप बिंदु यन से बिंदु यस को हम मिला देंगे तो हमारा यह त्रिभुज का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। और यहाँ पे आप लिख दीजिए कितने अंश का था, 40 अंश। तो आप 40 अंश यहाँ पर दिखा दीजिए, अर्थात यहाँ पर सब जगह कितने की लंबाई है, भुजाओं की, कोण का माप कितना, सभी लिखना जरूरी होता है। अगर आपने नहीं लिखा तो पता नहीं चलेगा कि इसकी लंबाई क्या है। तो स्केल से तो बार बार नापेंगे ना, इसलिए जो भी सूचना प्रश्न में दी गई है उसके अनुसार आपको रचना करनी है। तो ये आपकी कच्ची आकृति के अनुसार आपकी दूसरे सवाल की रचना हो गई। त्रिभुज एन टी एस मिल गया, टी एस की लंबाई 5 सेंटीमीटर और एन टी की लंबाई 5 सेंटीमीटर और मेजर कोण टी का माप कितना हो गया, 40 अंश। तो आपकी यह रचना तैयार हो गई। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, यहाँ पर देखेंगे हमने त्रिभुज एफ यू एंड में लंबाई एफ यू की है 5 सेंटीमीटर और यू एंड की लंबाई है 4.6 सेंटीमीटर और मेजर कोण यू कितना है, 110। तो हम पहले यहाँ पर मेजर कोण यू एंड, यहाँ पे यू, यहाँ पे एन और यहाँ पर हम क्या करेंगे, नहीं तो यहाँ पर एफ लिख दीजिए। एफ यू हमारा 5 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं, यहाँ पर एफ, यहाँ पर यू, क्योंकि मेजर कोण यू कितना है, 110 है। तो यहाँ पे हम यू रहेगा, 110 से अंश का हम कोण दिखाएंगे और यू एन, यू एन कितना हो जाएगा आपका 4.6 सेंटीमीटर। तो एफ यू का मान यहाँ पे लिखिए 5 सेंटीमीटर और यू एन का माप होगा आपका 4.6 सेंटीमीटर। तो बच्चों यह अब हमारा इस तरफ है, तो ध्यान देना है इसमें चांदे की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रचना करेंगे 5 सेंटीमीटर। यह भुजा 5 सेंटीमीटर दी गई है एफ यू की, तो हम पहले 5 सेंटीमीटर लेंगे। 0 से हम कहाँ है 5, और इसको स्केल की सहायता से हम इसको मिला देते हैं एफ यू, आया आपका 5 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया। अब यहाँ पर यू कितना है, 110। यू पे कितने को अंश का कोण का माप बन रहा है, 110। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ रखते थे तो यहाँ नीचे वाला हम 0, 10, 20, 30, 40 लेते थे चांदी का, लेकिन जब हमने इस साइड रखा है तो अब हमारे चांदे पे जो दूसरा माप है 0 से 180 अंश तक, तो हम यहाँ से लेंगे 0, 10। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूजन करते हैं, यहाँ पे ही बना देते हैं। जब इस साइड आप ले रहे हैं तो यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40 आपको लेना है माप। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिंदी लगा देंगे। 110 का हमने क्या लिया, माप ले लिया है, और कोण हम यू से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पीछे आ गया, इसलिए थोड़ा ध्यान देंगे इसको, हम फिर से करेंगे मेजर कोण, यहाँ पे आए 110 हमारा यहाँ पे आया था। हल्का सा इसके पीछे हो जाने पे क्या होता है बच्चों, आपकी जो रचना है उस बिंदु पर से होकर नहीं गुजरती है, यहाँ पे जो किरण होती है, तो इसीलिए थोड़ा सा हल्का पीछे रहे। अभी देखिए परफेक्ट आया आपका, तो एक किरण आपकी बन गई। अब आते हैं हम, यहाँ पे 4.6 सेंटीमीटर है, तो जब 4.6
दशमलव छः सेंटीमीटर का आप चाप लगाएंगे तभी आपको बिंदु यन प्राप्त होगा। तो जीरो चार, उसके बाद जीरो से चार तक आएंगे, फिर उसके बाद छोटी छोटी लाइनें छः, एक दो तीन चार पाँच, और उसे आगे एक छः। तो यहाँ एक बिंदु और यहाँ, इसको हम क्या करेंगे, चार दशमलव छः सेंटीमीटर है तो इसको गोला प्रकार की सहायता से हम इसे नाप लेंगे। और उसको क्या करेंगे, बिंदु यू पर रखेंगे और चाप लगाएंगे। ये चार दशमलव छः सेंटीमीटर का हमने गोला प्रकार में माप लेकर चाप लगा दिया। चाप लगाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, बिंदु बिंदु यन। तो हम यहाँ पे बिंदु यन लिखेंगे, और बिंदु यन मिल जाने पर बिंदु यन को बिंदु एफ से क्या करेंगे, मिला देंगे। और मिला दिए, और यहाँ पर हम लिखेंगे चार दशमलव छः सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया, और यहाँ पर 110 अंश। तो आप देखिए कच्ची आकृति आपकी जैसी बनी थी, यहाँ पे आप कच्ची आकृति का नाम भी देंगे कच्ची आकृति। यहाँ पे जो कच्ची आकृति आपकी बनी थी उसी के अनुसार हमने क्या किया, रचना की, और परफेक्ट। यफ यू 5 सेंटीमीटर, मेजर कोड यू का माप 110 हो गया, और यन यू का माप 4.6 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार त्रिभुज यन एफ यू तैयार हो गया। तो अब आगे आते हैं चौथी रचना की तरफ। चौथी जो रचना है हमारी जो कच है, उसमें त्रिभुज पी आर एस में आर एस की लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर, और आर पी की लंबाई है 4.2 सेंटीमीटर, और मेजर कोण आर बराबर कितना है, 90 अंश। तो फिर हम क्या करेंगे, कच्ची आकृति एक ऐसे आप पेंसिल से अपने कॉपी पे इसको नाप लेने की जरूरत नहीं रहती है, अब बना लीजिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर एस, आर एस कितना लेंगे, यहाँ पे पहले आर एस की लंबाई लिख लेंगे 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आता है यहाँ पर हमारा आएगा पी, तो पी आर कितना है, 4.2 सेंटीमीटर हमने ले लिया। अब ये कितने अंश का है, मेजर कोण आर 90, 90 में हम उल्टा यन की तरह ऐसा रहता है, तो ये दिखा दिए। तो ये हमारा इस चिन्ह से ही पता चल जाता है ये 90 अंश का कोण है। ये हमारी क्या बन गई, कच्ची आकृति। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये कच्ची आकृति है। अब इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, रचना करेंगे, फिर वही स्केल की सहायता हम लेंगे। हमने स्केल की सहायता ली और 5.5 सेंटीमीटर, तो 5 यहाँ पे 0 से 5 पे आए, और उसके आगे 5 छोटी छोटी लाइन, 1 2 3 4 5, तो ये आपका आ गया 5.5 सेंटीमीटर। और इसका नाम दे देंगे बिंदु R यहाँ पे और बिंदु S। तो आर एस कितना हो गया, 5.5 सेंटीमीटर। अब आते हैं बिंदु आर पर हम रखेंगे, और आपको बिंदु मेजर कोण आर कितना था, 90 अंश, तो बिंदु आर पर हमने रखा और 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 90 अंश का हमने कोण बनाया, माप ले लिया, आप कोण बनाएंगे, थोड़ा सा उल्टा पीछे रखिए, नहीं तो फिर उस पे से गुजरेगी नहीं। तो आपका आ गया 90 अंश का यहाँ पे कोण बन गया, और जहाँ कोण बनाया ये जहाँ पे आपको बिंदु मिला यहाँ पे 90 अंश का आपका कोण बन गया। अभी हम क्या करेंगे, बिंदु आर से 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले स्केल की सहायता का प्रयोग करेंगे हम, 4.2, तो यहाँ पे 0 से 4 आई, 2 आगे की लाइन, इसको स्केल से ऐसे ले लीजिए, कॉपी पे आप ऐसे डॉट लगा लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, गोला प्रकार की सहायता से इसको अपने गोला प्रकार में इसका नाप ले लेंगे, और उसको बिंदु आर पर रखेंगे, बिंदु आर पर रखेंगे और चाप लगाएंगे। जहाँ पर चाप लगेगा वहीं पर आपको क्या मिलेगा, बिंदु पी प्राप्त हो जाएगा। बिंदु पी मिल जाने के बाद आप स्केल की सहायता से
बिंदु पी और बिंदु एस को क्या कीजिए, मिला दीजिए, मिला दिए, आपका कोण ये त्रिभुज तैयार हो जाता है, समकोण त्रिभुज है 90 अंश का है। तो यहाँ पर पी आर कितना है, 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए आपकी कच्ची आकृति के अनुसार आपकी रचना क्या हो गई, तैयार हो गई है। तो पी त्रिभुज पी आर एस में आर एस भुजा जो थी, आर एस कितनी थी, 5.5 सेंटीमीटर, और पी आर की लंबाई थी 4.2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे 90 अंश का कोण दिखाने के लिए हम इस चिन्ह का उपयोग कर लेते हैं। तो ये आपका 90 अंश का कोण है। तो आपको पी आर एस त्रिभुज की रचना कच्ची आकृति के अनुसार प्रश्नानुसार हो चुकी है। तो बच्चों आज हमने प्रसंग 3 की सारी सवाल है, जो 4 सवाल दी गई थी आपके प्रसंग में, उसको अच्छे तरीके से हमने आज समझा और उसकी रचना की। तो ये सारे सवालों को आप अपने होमवर्क की कॉपी में लिखेंगे और अच्छे से लिखकर शुक्रवार के दिन, सभी बच्चे शुक्रवार के दिन इसे भेजना है। पिछला जो हमने रचना की थी उसका अभी तक एक बच्चे के अलावा और किसी बच्चे का आया नहीं, तो अगर ऐसा होगा तो हम आपके पेरेंट्स को फ़ोन करेंगे। तो इसीलिए प्रसंग 3 के सारे सवाल हैं, और पिछले वीडियो का जिन्होंने अभी तक नहीं बना के दिया है रचना करके, होमवर्क उसका नहीं भेजा है, सभी बच्चे इस बात पर ध्यान देंगे और उनको करके आपको शुक्रवार के दिन भेजना है। धन्यवाद।